असलम डी लर्नर्स एंड ऑन टिप न्यूज वेलकम इन द वीडियो और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट uh, है बिकॉज हम इसमें बात करने वाले हैं मार्केटिंग की मार्केटिंग आपको मालूम होगा एज अ बिजनेस स्टूडेंट एज अ बिज़नेस ग्रेजुएट कि मार्केटिंग किसी भी बिज़नेस की जान होती है एजेंडा इस वीडियो का ये है कि हम बात करने वाले हैं कि वाट इज़ मार्केटिंग हम बात करेंगे कि कस्टमर नीड्स क्या होती हैं और हम बात करेंगे कि मार्केट प्लेस क्या होती है सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मार्केटिंग की डेफिनेशन है क्या आपके लिए हमने जो मार्केटिंग की डेफिनेशन ली है वो ली है फिलिप कॉर्टलर की बुक से फिलिप कॉर्टलर डिफाइन करते हैं मार्केटिंग को द प्रोसेस बाय कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो इसको इसमें आपको कुछ कॉम्पोनेंट्स नजर आएंगे फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस और वो प्रोसेस हम आपके लिए रिवील करेंगे कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विस अपने बिजनेस को अपने कस्टमर्स तक लेके जाते हैं और किस तरह अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को मार्केट करते हैं नंबर टू आपकी जो मार्केटिंग एफर्ट्स uh, हैं उसका पर्पस क्या होता है यू नीड टू क्रिएट अ वैल्यू फॉर कस्टमर्स जब कस्टमर आपके पास आता है और आपसे कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस कोई एक्सपीरियंस परचेज करता है तो बेसिकली वो एक वैल्यू परचेस कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे गाड़ी खरीदने के लिए आया है तो वो आपसे गाड़ी के साथ साथ गाड़ी की वैल्यू भी उसके लिए उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो भी परचेज कर रहा होता है उसके अलावा जब आपका और कस्टमर का एक रिलेशनशिप बनेगा तो वो रिलेशनशिप आप मेंटेन भी करेंगे अपने कस्टमर्स को रिटेन भी करेंगे सो so, इसी डेफिनेशन में आपको स्ट्रांग कस्टमर रिलेशनशिप का कॉम्पोनेंट भी नज़र आएगा अच्छा ये कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है जो कस्टमर आपसे वैल्यू बाय कर रहा है आप जो एक पूरा प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके रिटर्न में आपको क्या मिलेगा यू ऑल्सो एज अ बिजनेस पर्सन यू ऑल्सो नीड वैल्यू इन रिटर्न और आपकी वैल्यू नंबर वन आपकी बिजनेस गुडविल और नंबर टू आपका बिजनेस प्रॉफिट आप कस्टमर से एक अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाहेंगे सो इसे लिए कहा जाता है कि जो बिजनेस है उसमें प्रोडक्शन हो या सर्विसेज जो आपने जितने भी अच्छे तरीके से प्रोसेस डिज़ाइन किए हो असल मरहला तभी होता है जब आप उसकी मार्केटिंग शुरू करते हैं अब आ जाते हैं इस मार्केटिंग डेफिनेशन को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं नीट की आपसे रिजवान ने बात की होगी एन ए बी सी की नीड अप्रोच बेनिफिट एंड कॉम्पिटिशन जब आप किसी भी बिजनेस आइडिया को देखते हैं तो आप बिजनेस आइडिया के साथ साथ सबसे पहली चीज़ जो आइडेंटिफाई करते हैं दैट इज़ नीड यानी कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सर्विस जो आपके जहन में आए और आप उसको डिज़ाइन करना चाहें आप उसको मार्केट करना चाहें तो सबसे पहले आप कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करते हैं फ़िलिप कॉटलर अपनी बुक में नीड को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वॉट इज नीड स्टेट्स ऑफ फेल्ट डेप्रीविएशन कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आप कमी महसूस करें अपनी ज़िंदगी में वो आपकी नीड है ये नीड वांट कब बनती है फिलिप कॉटन ने अगेन वांट की डेफिनेशन ये दी है द फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड टेक एज दे आर शेप्ड बाय द कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी यानी आपकी ज़रूरत अगेन आप किसी मुल्क में किसी जगह पे रहते हैं वहाँ की कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होंगी वहाँ का वेदर होगा वहाँ का एक पूरा वै बिलीफ सिस्टम होगा उसी के मुताबिक आपकी नीड आपकी वांट बन जाती है यानी ऐसा नहीं है कि आप सिब्बी में रहते हों और आपको बहुत गर्म कपड़ों की जो है वो ख्वाहिश हो ऑब्वियसली आपकी ज़रूरत आपके वेदर आपके कल्चरल वैल्यूज़ के मुताबिक होगी सो आपकी नीड आपकी वांट बनती है बट ये वांट डिमांड कब बनती है ये डिमांड तब बनती है जब ये बाइंग पावर रखती हो यानी एनी ह्यूमन वॉन्ट विच इज़ बैक्ड बाय दी बाइंग पावर ऑफ द वो वही आपकी डिमांड होती है इन अदर वर्ड्स अगर हम नीड वांट और डिमांड को देखें तो आपने जब नीड असेस करनी है किसी भी कस्टमर की फॉर एनी प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस और सर्विस तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या कस्टमर को इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है क्या ये ज़रूरत उसके कल्चर उसके इकोसिस्टम के मुताबिक है और प्लस आप जो प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन करने वाले हैं अपने कस्टमर के लिए क्या कस्टमर के पास भी उसको ख़रीदने की बाइंग पावर है या नहीं है इन तमाम मरहलों से गुजरेंगे तो ही आप कहेंगे कि हाँ आपने कस्टमर की नीड को आपने कस्टमर की डिमांड को आइडेंटिफाई कर दिया है हम कस्टमर को कभी भी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस या एक्सपीरियंस बेच नहीं सकते जिसकी ख्वाहिश तो वो बहुत ज़्यादा रखता हो लेकिन उसको ख़रीदने की ताकत ना रखता हो अब बात करते हैं कि ये जो नीड है या जो वॉन्ट है या जो डिमांड है हम इसको पूरा कैसे करते हैं सो so, एन में नीड के बाद जो अप्रोच है वो ये है कि हम इस नीड को फुलफिल कैसे करेंगे मार्केटिंग की लैंग्वेज में इसे कहते हैं मार्केटिंग ऑफरिंग्स मार्केटिंग ऑफरिंग्स फिलिप कॉटलर किस तरह डिफाइन करते हैं सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसिस ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वॉन्ट जब आपको ये पता चल गया है कि कस्टमर की ज़रूरत क्या है मिसाल के तौर पर किसी कस्टमर की ज़रूरत यह है कि वो अपने घर से किसी दूसरी जगह पे जाना चाहता है और वो अपनी किसी छोटे बच्चे को या किसी फीमेल को बेचना चाहता है और वो सिक्योरिटी भी चाहता है आपसे आपने नीड आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब आप उसको क्या ऑफ़र करेंगे सो so अगेन अगर आपने देखा ऊबर या करीम का मॉडल ही यही है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आप ऑनलाइन अपनी कैब जो है वो बुक करवाते हैं और फॉर सेफ्टी फ़ीचर आप उसको ट्रेक ट्रैक भी कर सकते हैं तो दैट्स हाउ कि जब आप कोई नीड या कोई वांट या कोई डिमांड आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आप या तो कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं या कोई सर्विस डिज़ाइन करते हैं आप एक्सपीरियंस भी बेचते हैं आप इंफॉर्मेशन भी बेचते हैं मिसाल के तौर पे, इफ़ आई वांट टू गो टू यूरोप और मुझे यूरोप का वीज़ा चाहिए तो दिस इज़ माई नीड आपने आइडेंटिफाई कर लिया है अब आप इसको किस तरह फुलफ़िल करेंगे आप मुझे वीज़ा कंसल्टेंसी ऑफर कर सकते हैं सो so, वीज़ा कंसल्टेंसी को देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो आपको इंफॉर्मेशन बेची जा रही है लाइक वाइज वो लोग जो बहुत एडवेंचरस हैं वो लोग जो एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि उनकी जो ख्वाहिश है उनकी जो डिमांड है यानी ऐसा नहीं कि है कि वो सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं एडवेंचर की वो एडवेंचर को फुलफिल करने के लिए पैसे भी खर्च कर सकते हैं तो अगेन आपने देखा होगा बहुत से मुल्कों के अंदर पैराग्लाइडिंग बहुत जो है एक गेम है जो बहुत आम लोगों के आम पब्लिक के लिए खोली जा रही है ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स क्यों ओपन की जा रही है ये एक्सपीरियंस है बेसिकली जो बेचा जा रहा है और ये एक्सपीरियंस क्यों बेचा जा रहा है बिकॉज इसकी ख्वाहिश है और लोग इसके लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं सो so आप कोई भी नीड वांट डिमांड जब कस्टमर के आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको पूरा करने के लिए जो आपकी अप्रोच होगी दैट विल बी एनी प्रोडक्ट सर्विस और एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन यही आप कस्टमर को बेच सकते हैं ताकि आप उसकी नीड को पूरा कर सकें अब आ जाते हैं एक अहम फ्रेमवर्क की तरफ फिलिप कॉटलर और इसके अलावा मार्केटिंग का जितना भी आप लिटरेचर देखेंगे उसमें आपको फोर पीस और सेवन पीस का नाम बहुत सुनने को मिलेगा बेसिकली ये आपके मार्केटिंग का मेन फ्रेमवर्क है जो आपको एक्सप्लेन करता है कि आपने मार्केटिंग के प्रोसेस के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है अगर तो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में ज़्यादातर फोर पीस का जिक्र किया जाता है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन यानी नंबर वन आपकी प्रोडक्ट है क्या उसका डिज़ाइन है क्या उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी फिर नंबर टू आप उसकी प्राइस क्या डिटर्मिन करेंगे प्राइसिंग की भी अपनी डिफरेंट स्ट्रैटजीज़ होती हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे लाइक वाइज आप प्लेस यानि अपनी चीज़ कहाँ रखेंगे कहाँ बेचेंगे आपकी मार्केट प्लेस क्या होगी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने प्रोडक्ट किसी बहुत इलीट क्लास के लिए बनाई हो बहुत हाईली कस्टमाइज बनाई हो और आप इसको किसी डाउन टाउन मार्केट में जा कर रख दें जहाँ पर कस्टमर की बाइंग पावर ही ना हो इतनी महंगी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए सो so अगेन आपकी प्लेस क्या होगी आपकी सप्लाई चेन कहाँ से आएगी आपके सप्लायर्स कहाँ बैठे हैं आपके प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं आप किस तरह क्या आपने जो है वो डायरेक्ट रिटेलर्स को बेचना है या आपने होल को भी इन्वॉल्व करना है या आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचना चाहते हैं ये तमाम और प्लेस में मार्केट भी आती है क्या आपकी मार्केट कस्टमर टू कस्टमर होगी क्या आपकी मार्केट जो है वो बिज़नेस टू बिज़नेस होगी और उसके बाद प्रमोशन यानी आप उसको एडवर्टाइज कैसे करेंगे कस्टमर तक अपनी ख़बर कैसे पहुंचाएंगे कि आपके पास कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस या कोई एक्सपीरियंस या कोई इंफॉर्मेशन है बेचने के लिए एडवर्टाइज उसको कैसे करेंगे अगर तो आप कोई सर्विस बेच रहे हैं जिस तरह आप होटल है रेस्टोरेंट है इस तरह का कोई आपका आइडिया है तो उसमें ज़्यादातर सर्विस मार्केटिंग के अंदर जो आ, पीस का जिक्र होता है दैट इज़ सेवन पीस यानी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन इम्पॉर्टेंट है ही उसके साथ प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं तो कस्टमर किस तरह आएगा किस तरह वो ऑर्डर प्लेस करेगा ऑर्डर के अंदर कितना टाइम ड्यूरेशन होगा प्लस बैक एंड के ऊपर वो ऑर्डर प्रोसेस किस तरह से होगा कितनी लंबी सप्लाई चेन होगी कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद कितना टाइम लेने के बाद किस तरह वो फ्रंट डेस्क से कस्टमर की टेबल तक मूव करेगा ये सारे प्रोसेसेस होते हैं ठीक है इसी तरह होटल इंडस्ट्री के अंदर भी प्रोसेस बड़े वेल well डिफाइंड होते हैं कस्टमर कौन आएगा किस तरह से उसको ग्रीट किया जाएगा कितने प्रोसेस से गुजार के उसका रूम बुक करवाया जाएगा रूम सर्विसेज क्या होंगी कंप्लेंट होगा तो किस तरह से उसको रिस्पोंड किया जाएगा ये सारे प्रोसेस होते हैं पीपल आपकी टीम आपके फ्रंट डेस्क पे खड़े हुए लोग वो भी बहुत ज़्यादा अहम होते हैं अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं आपने प्रोडक्ट ली और दी लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं या किसी स्कूल की बात करते हैं अगर आपने ओपन किया है तो उसमें आपके जो टीम हैं जो लोग हैं जो ट्रेंड लोग हैं जिन जो आपके लिए ये सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर रखते हैं और फिर आ जाती है फ़िज़िकल एविडेंस और फिज़िकल एविडेंस का मतलब ये है कि आप किसी होटल में जाते हैं तो उस होटल का जो फिज़िकल एविडेंस उसका एम्बियस उसका म्यूजिक उसका ऑर्डो उसकी पेंटिंग्स तमाम चीज़ें आपको फैसिनेट कर रही होती है तो सिर्फ आप चाय पीने के लिए नहीं जाते एक अच्छा इन्वायरमेंट इन्जॉय करने के लिए भी जाते हैं सो so अगेन अगर आपका बिजनेस आइडिया कोई स्टार्टअप आपका है सर्विस के हवाले से तो फिर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन के साथ साथ आपको पीपल आपको फिजिकल एविडेंस और आपको प्रोसेस भी बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करने चाहिए ये फ्रेमवर्क आपको हेल्प करता है कि अगर आपका स्टार्टअप है या बिज़नेस स्टेब्लिश हो चुका है और आप उसको ग्रो करना चाहते हैं तो आपने किन किन एरियाज़ के अंदर आ, अपनी जो बिज़नेस है उसको ग्रो करना है और उन चीज़ों का ध्यान रखना है अब आ जाते हैं मार्केट की तरफ मार्केट बेसिकली है क्या फिलिप अगेन अपनी किताब में डिफाइन करते हैं अ सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक ऐसी जगह जहां पर आपको आपके पोटेंशियल बायर्स मिल जाएं जिनको जाके अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बेच सकें या इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस बेच सकें उसको मार्केट कहा जाता है मार्केट मल्टीपल टाइप्स की हो सकती हैं हो सकता है आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिजनेस मार्केट के अंदर यानी आप बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहे आपने हो आपने देखा होगा बहुत सी फर्म्स हैं जो बड़ी फर्म्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती हैं उसके कोई छोटे छोटे यूनिट्स कोई छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो बना रही होती हैं ठीक है सो uh, अगेन so अगर आप कोई किसी बड़ी फर्म के लिए कोई छोटा यूनिट बना रहे हैं और उनको यूनिट बना के उनको बेच रहे हैं उनके स्पेयर पार्ट्स बना के उनको बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस मार्केट में डील कर रहे हैं अगर आप डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हैं अपनी प्रोडक्ट तो इसका मतलब ये है कि आप कस्टमर मार्केट में डील कर रहे हैं आपने कोई पेन बनाया कोई डायरी बनाई कोई आपका फूड रेस्टोरेंट है कोई भी आइडिया है आपका तो आप बेसिकली कस्टमर क्या कस्टमर मार्केट में डील कर रहे हैं डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हैं और आप चूँकि बहुत ज़्यादा डिजिटल इकोनॉमी का जिसे कहते हैं शोर बहुत ज़्यादा है इसीलिए अब ऑनलाइन मार्केट्स भी आ गई हैं और अब ऑनलाइन मार्केट्स एक्चुअल फिजिकल मार्केट से ज़्यादा जो है ना उन्होंने पेस पकड़ ली है अब ज़्यादातर चाहे वो फूड हो चाहे वो मैनुफेक्चरिंग uh, यूनिट्स वाले हों चाहे आपने बाहर से कोई एज अ होल सेलर कोई चीज़ मंगानी है या एज अ कस्टमर आपने कोई चीज़ uh, ख़रीदनी हो ठीक है यहाँ तक कि ग्रॉसरी uh, तक तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं और ऑनलाइन जाके अपनी वेबसाइट या कोई ऐप इस्तेमाल करते हुए उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी मार्केट एक फिजिकल मार्केट हो जिसमें आप बिजनेस को या डायरेक्टली कस्टमर को कोई चीज़ बेच रहे हो आप ऑनलाइन भी अपना बिजनेस कर सकते हैं सो so आपने चीज़ कहाँ जा बेचनी है ये भी बहुत बड़ा मैटर है जो आपको रिजोल्व करना है अब आ जाते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम क्विकली बता देते हैं फिर उसके बाद हर मॉड्यूल में वन बाय वन इसको रिवील करते चले जाएंगे हम एग्जांपल ले, ले लेते हैं कि अगर आपका स्टार्टअप है और आपने अपने स्टार्टअप uh, के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी uh, को डिज़ाइन करना है तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन कैसे होती है जिसमें सबसे पहला तो हमने आपको प्रोसेस बताया वो ये बताया कि आपने आइडेंटिफाई करनी है कस्टमर की नीड वांट और डिमांड यानी प्रोडक्ट लोग खरीदना चाहते हैं और उनके पास पैसे भी हैं ख़रीदने के लिए उसके बाद नंबर टू आपने चूज़ करनी है अपनी वैल्यू प्रपोजिशन यानी इस नीड या वांट या डिमांड को आप किस प्रोडक्ट या किस सर्विस या किस एक्सपीरियंस के थ्रू फुलफिल करेंगे और आप क्या वैल्यू क्या क्वालिटी कस्टमर को क्या बेनिफिट कस्टमर को ऑफर करेंगे उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ब्रांड और आपका मैसेज पहले दिन से कंसिस्टेंट होना चाहिए आपका मैसेज क्लियर हो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आप प्राइस सेंसिटिव होंगे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे बी श्योर अबाउट इट अगर आपका पहले दिन का अप्रोच ये है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे और प्राइस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं करेंगे बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट सो जो भी आपका ब्रांड ब्रांड इमेज जो आपका मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं कंसिस्टेंट होना चाहिए उसके अलावा आपको ये मालूम ज़रूर होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है इस पर भी हम बात करेंगे कि मार्केट की सेगमेंटेशन कैसे होती है बट मेक इट श्योर आप पत, को पता होना चाहिए कि आप किस को जा के अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे उसके अलावा मार्केटिंग के लिए चूँकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा दौर है मेक इट श्योर आपने कोई बेहतर प्लेटफॉर्म ख़ास तौर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज किया हो कि कहाँ जाके आपकी कहाँ टारगेट ऑडियंस बैठी है ऑनलाइन जिसको जाके अपनी चीज़ बेच सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं फिर आ जाते हैं बिल्ड योर रेफुलर नेटवर्क अच्छा नेटवर्क आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट और नेटवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है अब तो कहा जाता है नेटवर्क इज योर नेटवर्क आप देखते हैं इन्फ्लुएंसर कहाँ बैठे हैं और आप ये देखते हैं आपकी टारगेट मार्केट कहाँ बैठी है आप ये देखते हैं कि कौन कौन आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको आपके बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं आप उनके साथ एक नेटवर्किंग करते हैं और फिर कोशिश करते हैं अपने बिज़नेस को भी ग्रो करने के लिए और सेल्स को भी ग्रो करने के लिए अपनी मार्केटिंग टीम आपकी बहुत स्मार्ट होनी चाहिए अब तो कंसल्टेंसी भी मिल जाती है डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है तो अपनी प्रोडक्ट को ख़ुद इस्तेमाल कीजिए यानी बिकम योर प्रोडक्ट्स लॉयल यूजर ऐसा ना हो कि आप किसी को घड़ी बेचने के लिए जा रहे हैं और घड़ी आपने किसी और ब्रांड की पहनी हो आपने देखा होगा कि अक्सर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जितने भी सी हैं वो अपनी ही कंपनी की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेसिकली ये कस्टमर के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है बिल्डिंग टेक्निक है उसके अलावा कस्टमर फीडबैक के लिए बी विजिलेंट आपका कस्टमर फीडबैक जो भी आ रहा है वो आपकी प्राइस के हवाले से है आपके प्रोसेसेस के हवाले से है आपके प्रोडक्ट डिज़ाइन के हवाले से है उसको क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिए कस्टमर कंप्लेंट और फीडबैक हैंडलिंग आपकी सेल्स बढ़ा भी सकती, आपकी भी सकती है और आपके कस्टमर्स को भगा भी सकती हैं और आखिर में आ गई बात रिलेशनशिप मार्केटिंग की रिलेशनशिप मार्केटिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट आपने मार्केटिंग की डेफिनेशन में भी देखती होगी कि रिलेशनशिप मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है यू नीड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विद योर कस्टमर ये रिलेशनशिप मार्केटिंग बिल्ड किस तरह होती है इसको अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो